गुड मॉर्निंग हिमाचल, सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा कोचिंग इंस्टीट्यूट घुमारवी। परिवार को जलाने की कोशिश, पुलिस छानबीन में जुटी। जसूर में पकड़े पालमपुर के चार तस्कर। चक्कीघर में अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा। कहरिया से चार आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन ग्राम पंचायत भरमाड़ में एक घर को पेट्रोल बम से जलाने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भरमाड़ के वार्ड नंबर 3 के निवासी मशेंद्र नाथ शर्मा के घर को शनिवार सुबह लगभग 3 बजे के करीब पेट्रोल बम बनाकर जलाने की कोशिश की गई। मशेंद्र नाथ शर्मा की पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि हम परिवार सहित अपने मकान में सो रहे थे कि लगभग 3 बजे कुछ आवाज सुनाई दी। जब अंदर से दरवाजा खोला तो जालीदार दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, जिसे देखकर मैंने अपने पति को आवाज लगाई। आवाज को सुनकर व्यक्ति भाग गया। जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास पेट्रोल फेंका हुआ था और साथ कुछ धागे और कुछ रस्सियां पेट्रोल के साथ भिगोई हुई थी। कुछ बोतलों में तेल और बीच में रुई भिगोई हुई थी व जलाने के लिए जोत भी बनाई हुई थी। इस बारे में प्रधान ने पुलिस थाना जवाली को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि घर वालों के बयान कलमबद्ध किए गए हैं तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रधान जी, क्या मामला है? सर, मेरे को रात को 3 बजे फोन किया मशिंदर के लड़के ने, आकाश ने, कि भाई ऐसे ऐसे है। मैं आया, मौके पर देखा 3-5 बजे मैं जहाँ पहुँच गया और जहाँ पहुँच कर देखा तो मौके पर देखना, पहली बार देख रहा है मैंने। ये पहला 15-20 साल हो गए मेरे को पंजाब में और ब्रह्मांड में पहला। क्या मैं वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि नेट तेरे मैं देखा नहीं ऐसा कांड की ये कांड है। और अब तो मैं सुबह देखा तो वो उसमें शीशु में बोतल भरे करना पेट्रोल भरा हुआ है, जैसे वो करना बम टाइप होते हैं। ये तो पूरी सब ये ऐसा मामला है। अपना पूनम शर्मा, क्या बात हुई है जी? रात को मैं 3:45 बजे उठी तो ये दरवाजा खोला, अंदर से लाइट ऑन की, फिर दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर कोई बंदा खड़ा था और मैंने इनको आवाज दी कि बाहर आओ जल्दी की कोई बंदा है, तो वो भाग गया और सामान छोड़ गया इधर। क्या का सामान पड़ा था? सामान तो तेल से लथपथ था और अंदर भी तेल गिराया था काफी, तो फिर वो सभी इनके पीछे दौड़ लेके वो भाग गया था। अच्छा, आपकी क्या किसी के साथ कोई आया रंजिश वगैरह? कोई रंजिश तो किसी पर कोई शक हुए? वैसे इसके जो इस जो सामान है उसके नाम तो उसके नाम पर काके का नाम है, उस सामान के ऊपर तो काका। और हमारा जो जेठ जी है वो भी हमारे साथ काफी, उनकी रंजिश है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा नाम मशिंदर नाथ। क्या बात हुई जी? जब मेरी घरवाली ने मतलब कुत्ते भौंकने लगे तो घरवाली उठी, पशु आते हैं आवारा, तो जैसे दरवाजा खुला तो जहाँ वो लाइट जलाई तो देखा कि कोई दरवाजे के पास ये मतलब मिट्टी का तेल और ये फेंका हुआ और आग लगाने वाला था। ये जोर से चलाने लगी कि कोई जहाँ आदमी है, फिर हम निकले बाहर, पीछे भी भाग गया हम, लेकिन वो निकल गया। जब सुबह देखा तो ये पेट्रोल बम वगैरह भी मिले और ये सारे आग लगाने वाला था, नहीं तो जल सब कुछ जल जाना था। तो आपको किसी को शक है? कोई शक है इसके ऊपर तो काका लिखा हुआ आरती पर। अच्छा, और दूसरा है मेरा भाई है मशिंदर दविंदर जी शामलाल है जी, मतलब इतना कुछ पूरी ब्रह्मांड मेरे पास आ रही है। वो अभी तक इंसानी नाते आदमी पूछ ही लेता क्या हुआ, इतनी मतलब मुझे तो इनके ऊपर ही शक है। जिला पुलिस नूरपुर ने जसूर में पालमपुर के 4 युवकों से चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस ने जसूर में नाकाबंदी कर रखी थी कि ऋषु, मन्नत, परल, आदित्य निवासी पालमपुर के कब्जे से 9.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने 4 युवकों को अरेस्ट कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने पालमपुर के चार युवकों से चिट्टा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना डमडाल के अंतर्गत परते चौकी खड़ में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी, एक पोकलेन व तीन टिप्परों को कब्जे में लेकर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी देते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चक्की दरिया में खनन माफिया अवैध खनन करने में जुटा हुआ है, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस की टीम ने आज चक्की दरिया में दबिश दी और मौके पर एक जेसीबी, एक पोकलेन व तीन टिप्परों को अवैध खनन करते हुए मौके पर काबू किया। इस कार्रवाई में पांच लोगों के खिलाफ खनन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना डमटाल में मामला दर्ज किया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उपमंडल जवाली के अधीन कहरिया में लोगों ने देर रात्रि एक ट्राला से चार पशुओं को पकड़ा है तथा ट्राला चालक सहित दो अन्य युवकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहरिया में लोगों ने शक के आधार पर एक ट्राला को रोका तो ट्राला में चार मवेशी लदे हुए थे। इसके बाद जानने की कोशिश की गई तो ट्राला में बैठे तीनों युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तीनों युवक विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं, जिससे उन पर ज्यादा शक हुआ। लोगों ने मवेशियों को ट्राला से उतारकर नीचे बांध दिया तथा पुलिस को सूचना दी। एसएचओ जवाली प्रीतम सिंह जरियाल टीम सहित मौके पर पहुंचे तथा कार्रवाई शुरू की। इस बारे में एसएचओ जवाली प्रीतम सिंह जरियाल ने कहा कि पुलिस ने ट्राला में बैठे तीन युवकों रमजान, हामिद, शकीन निवासी चुराह के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।